हेलो एवरीवन, आज हम मैथ का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बीजगणित एलजेब्रा करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम बीजगणित के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे और ये बीजगणित बना कैसे है। फिर आगे हम इसके फॉर्मूले को देखेंगे, फॉर्मूला बनता कैसे है। फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये पहला वीडियो है और एकदम बेसिक वीडियो है। इस वीडियो में एकदम बेसिक तरीके से करेंगे और जीरो लेवल से शुरू करेंगे। बीजगणित एलजेब्रा, इसकी परिभाषा क्या है? पहले, वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? एलजेब्रा कहलाता है। ठीक है, अब एलजेब्रा बनता किस किस से है? एलजेब्रा में हमारे तरह से मुख्य तरह से ये छह चीज होते हैं: चर, अचर, पद, बहुपद, व्यंजक, समीकरण। ये होते क्या है? पहले आपको चर बता दूं मैं, चर होते क्या है? जैसे कि एक्स दिख रहा है, ये एक्स, ये बी, ये सी, ये सब क्या है? ये चर है। एक्स हो गया, ये बी हो गया, ये एक्स हो गया, ये सी हो गया, ये चर है। ठीक है, और चर क्या होते हैं? चर होते हैं परिवर्तित। ये कभी परिवर्तित हो सकते हैं, जैसे कि एक्स की घात कितनी है? दो। यहाँ पर एक्स की घात एक है, ये परिवर्तित होते रहते हैं। और अचर की बात करते हैं, अचर क्या है इसमें? अचर इसमें तीन है। ठीक है, जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या होती है? अचर होती है। और चर आपको पता ही बता ही दिया मैंने, एक्स हो गया, ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, ये सब क्या होती है? चर होती है। अब बात करते हैं पद की। पद क्या होता है? जैसे कि इसमें कितने पद है? एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब पद कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला है बहुपद। बहुपद मतलब कि पद से मिलकर क्या कहते हैं? बहुपद बनते हैं। कई सारे पद मिलकर बहुपद का निर्माण करते हैं। जैसे कि इसकी बात करूं मैं, इन तीनों की, तो ये क्या है? ये एक बहुपद है। ये तीनों क्या है? एक ये बहुपद है। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजक की। व्यंजक क्या होता है? अगर मैं 3x² + bx + में c है, यहाँ पर जीरो की जगह में यहाँ पर लिख दूं पी एक्स, ठीक है, बराबर क्या कर दूं? पी एक्स कर दूं, तभी क्या हो जाएगा? ये व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। अगर यहाँ पर जीरो रहने दूं तो ये क्या कहलाएगा? पूरा ये समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो आपका चर क्लियर है। चर क्या होता है? ए से लेकर जेड तक जितनी वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? चर कहलाते हैं और ये परिवर्तित होते रहते हैं। अचर क्या होते हैं? ये गिनती होती है, जितनी संख्याएं होती है वो क्या करती है? अचर कहलाती है और ये परिवर्तित नहीं होती। पद क्या कहलाता है? ये पद है ये सब। ठीक है, ये पद है। और बहुपद क्या होते हैं? बहुत सारे पद मिलकर मतलब कि पदों के समूह को बहुपद कहते हैं फिर। ठीक है, व्यंजक क्या होते हैं? अगर इसकी इस बहुपद के बराबर में पी एक्स डाल दूं तो क्या हो जाएगा? ये व्यंजक हो जाएगा। और समीकरण क्या होगा? इन सब के बराबर में अगर मैं जीरो डाल दूं तो क्या हो जाएगा? ये समीकरण हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसमें 3x² में घात की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? दो घात है। ठीक है, जैसे कि x² है, ये होता है बेस और ये होती है घात, जिसको हम इंग्लिश में पावर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? दो घात है। कितना घाती है? ये हो जाएगा द्वि घाती है। ठीक है, द्वि घाती है समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह इसको हटा दूं तो कितना हो जाएगा? एक घाती हो जाएगा। ठीक है, ये एक घाती हो जाएगा, जो कि एक घाती हम कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर इसकी जगह कहीं पर तीन आ जाए, क्यूब आ जाए, तो क्या हो जाएगा? त्रिघाती हो जाएगा। आगे हम सिंबल के बारे में जानेंगे कि प्लस माइनस होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये कुछ सिंबल है, जैसे कि प्लस गुणा में माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अगर मैं बात करूं प्लस गुणा में प्लस, क्या होगा? प्लस होगा। अगर मैं बात करूं माइनस गुणा में प्लस की, तो क्या होगा? ये माइनस होगा। और माइनस गुणा में माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 - x + 3 है, ठीक है, ये क्या है? ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस का है। ठीक है, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का जो प्लस का साइन है वो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट खोलता हूँ, 2 - x - 3, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खुलते ही अंदर वाला जो साइन है प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो गया। अगर अंदर माइनस होता तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। ओके, अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों की तरफ मूव करते हैं। ये कुछ एलजेब्रा के फॉर्मूले हैं। अब मैं इसे ये बताऊंगा कि ए प्लस में बी का जो स्क्वायर है, a² + b² + 2ab, ये क्यों है, ये कैसे आया। ठीक है, अगर आपको ये याद याद करोगे कहीं ना कभी भूल जाओगे। अगर आपको सिर्फ इतना पता है ए प्लस में बी का स्क्वायर, तो इससे आप कैसे फॉर्मूला को ज्ञात करोगे? ठीक है, मतलब कि डिस्कवर करोगे कैसे कैसे मतलब फॉर्मूला बनाना है, ये आपको सिखाऊंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मेरे सामने ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? हमको पता है a² + b² + 2ab होता है, ये सबको याद होता है, बट ये आया कहाँ से, ये अब देखते हैं। जैसे कि ए प्लस में बी का स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
ए प्लस में बी, और एक और बार लिखेंगे ए प्लस में बी, यही लिखेंगे हम, ठीक है। अगर दो का स्क्वायर होता है दो बार इंटू में करते हैं, तो यही हमने बस इसमें करा है। आप क्या करते हैं, ए को इससे मल्टीप्लाई दोनों से, फिर बी को दोनों से मल्टीप्लाई। तो करते हैं इसको, ए को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर होगा प्लस ए को मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए बी प्लस, फिर बी की बज जाएगी, बी को इससे मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा फिर से, फिर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस बी को मैं बी से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, ठीक है। अब जो अब इकट्ठे लिख देते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर कितने हैं, ए बी दो बार है, ठीक है, तो प्लस 2 AB लिख दूंगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर भूल जाओ तो ऐसे निकाल लेना, ठीक है। तो सेम ऐसे ही करते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर निकाल को आपको निकाल कर दिखाता हूँ, जितने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं ऐसे ऐसे निकलते हैं। तो सेम ऐसे लिखेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे इसको भी, और ए माइनस बी लिखेंगे, लिख सकता हूँ ना इसको मैं बराबर, क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस ए को फिर बी से मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा, ए बी माइनस फिर बी की बच जाएगी, बी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये माइनस का बी को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के बी को माइनस के बी से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर कितने 2 AB है, तो माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस 2 AB, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला भी निकाल लिया हमने, ठीक है। इससे हमारे दो ही फॉर्मूले नहीं बने, इससे हमारे कई सारे फॉर्मूले बन गए। जैसे हम बात करें ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। अगर मैं फाइंड करूं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्या होगा बराबर, ठीक है, तो जो हमारी ये वैल्यू होगी पहले इधर एक बार लिख दो, ए प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 AB है, प्लस का 2 AB बराबर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में 2 AB, ठीक है। एक हमारा फॉर्मूला ये बन गया, सेम वैसे ही हमारा माइनस का बन जाएगा, यहाँ पर सेम यहाँ पर हमारा माइनस का बन जाएगा, अगर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर पूछे तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस बी रखो यहाँ पर पहले ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 2 AB है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 AB, ठीक है। ये हमारा चौथा फॉर्मूला डिस्कवर हो गया। वैसे हमारा एक और फॉर्मूला बन जाएगा, एक फॉर्मूले से कई सारे फॉर्मूले ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, जो हमारा हमने फाइंड करा है ए प्लस में बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने अभी क्या ज्ञात करा है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ए का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 AB होता है, ठीक है, और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 AB, ठीक है। अब जो वैल्यू कट रही है काट देता हूँ, जैसे कि 2 AB कट गया, ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, 2 A² प्लस में बी स्क्वायर बचा, ठीक है। तो हमारा नया फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, ए प्लस बी का स्क्वायर का प्लस में ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 A² प्लस में बी स्क्वायर, हमारा एक नया फॉर्मूला यहाँ पर ज्ञात हो गया, ठीक है। तो हमारे कितने फॉर्मूले भी ज्ञात हो गए, एक हमारा ये नया फॉर्मूला बन गया। तो कितने फॉर्मूले हमारे बन गए, 1 2 3 4 5, हमारे दो फॉर्मूले से बने ओनली, ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर से और ए माइनस की बी के स्क्वायर से, हमारे ये पांच फॉर्मूले ही बन गए। अभी देखो इसी से कितने सारे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सारे एक भी याद नहीं करना है, तो देखो अब एक और बनेगा फॉर्मूला। अगर मैं जो ये प्लस है प्लस की जगह माइनस कर दूं तो क्या होगा, प्लस की जगह माइनस कर दूं, जैसे कि ए प्लस में बी का स्क्वायर है, यहां प्लस की जगह माइनस कर दूं तो माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 AB, यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है, माइनस फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2 AB करना है, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया था इससे पहले, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन क्या हो जाती है, पलट जाती है, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 AB, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर इधर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2ab। ठीक है, अब जो वैल्यू कट रही है वो काट देते हैं, जैसे कि ए से ये कट गया, ठीक है, ए स्क्वायर से, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 2ab, 2ab कितना हो गया, 4ab हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 4ab, और हमारा एक नया फॉर्मूला डिस्कवर हो गया। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत आगे चल के बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है, आगे चल के बहुत काम आने वाला है एलजेब्रा का, बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कितने फॉर्मूले डिस्कवर हो गए, 6 फॉर्मूले डिस्कवर हो गए। ठीक है, कौन कौन से, कौन कौन से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, जो कि होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और कौन सा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और यहाँ पर एक हमारा ये, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, अब इन्हीं से कितने सारे फॉर्मूले बनेंगे देखो, अब इन्हीं से एक और फॉर्मूला बन सकता है हमारा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा लिखा है, इसी से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं इसमें ज्ञात करूं ए प्लस में बी का स्क्वायर ज्ञात करूं। ठीक है, ए प्लस में बी का स्क्वायर तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, बराबर है 4ab है, अब माइनस का ए माइनस बी का स्क्वायर, ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का ए माइनस में बी का स्क्वायर, ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। तो इस वीडियो में हमने फॉर्मूलों को बनाना सीख लिया। बाय द वे, आपके एग्जाम में आप फॉर्मूले भूल जाते हो तो आप इस तरीके से, इस मेथड से फॉर्मूले बना सकते हो। तो अगली वीडियो में दो चार फॉर्मूले और रह रहे हैं, उसको पहले हम कवर करेंगे, फिर आगे मेन अपना एलजेब्रा का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट से जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।